हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मेक ड्रीम कम ट्रू में। अब मैं हूं मंजीत और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के हिंदी आरओ। चैप्टर का नाम है मियाँ नसीरुद्दीन और लेखिका है कृष्णा सोबती। आज हम इस चैप्टर के फुल डिटेल समरी को पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैप्टर 1 के वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और मैं यहाँ ऊपर में आई के ऑप्शन में भी आपको वहाँ पे वीडियो दे देता हूँ, यहाँ पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन, यह सब चित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती हैं। इसमें खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। इसमें मियाँ नसीरुद्दीन अपनी मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें खानदानी महारत को बताते हैं। वे अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। एक दोपहर जब लेखिका घूमते घूमते अचानक जामा मस्जिद के निकट मोहल्ले के एक अंधेरी दुकान के पास आती है तो पता चलता है कि वह खानदानी नान बाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है। उन्हें यह भी पता चला कि मियाँ 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं। लेखिका के प्रश्न पूछने पर मियाँ नसीरुद्दीन समझ जाते हैं कि वह एक पत्रकार है। फिर भी वह उनके प्रश्नों का उत्तर बड़े ही आत्मविश्वास के साथ देते हैं। लेखिका को यह भी बताते हैं कि यह उनका खानदानी पेशा है। बादशाह के दरबार में भी उनके पूर्वजों ने काम किया है। लेखिका के यह पूछने पर कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ उनके बुजुर्गों ने काम किया था, मियाँ थोड़े खिसिया उठे। लेखिका उनके बेटे बेटियों के बारे में भी पूछना चाहती थी, लेकिन मियाँ के चेहरे के भाव देखकर उन्होंने इस विषय को ना छेड़ना ही उचित समझा। बातों बातों में यह भी पता चला कि मियाँ अपने शागिर्दों का भी बहुत सम्मान करते हैं। वे उन्हें समय पर उचित वेतन देते हैं। इस प्रकार मियाँ नसीरुद्दीन के रोटियां बनाने की कला तथा उनके पेशे के प्रति समर्पण देखकर लेखिका बहुत ही प्रभावित हुई। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और कोई भी कमेंट हो, सजेशन हो, आप हमसे कुछ भी कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए हमारे आने वाले सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू सो मच।